नक्सलियों ने औरंगाबाद में कल शाम हमला कर दिया, एक कंपनी के दफ्तर को घेर लिया, अंधाधुंध फायरिंग की। मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी समेत 5 की मौत हो गई। बताया जा रहा है करीब 200 नक्सलियों ने एक साथ इस हमले को अंजाम दिया। एक बार फिर बिहार में नक्सलियों का कहर टूटा। इस बार नक्सलियों ने निशाना बनाया औरंगाबाद के गोह में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप को। मंगलवार की देर शाम करीब 200 नक्सलियों ने नेशनल हाईवे के निर्माण में लगी MBL कंपनी को चारों ओर से घेर लिया और दनादन फायरिंग करने लगे। नक्सलियों ने बेस कैंप पर ग्रेनेड से भी हमला किया। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की। नक्सलियों ने करीब 2 घंटे तक कंपनी के बेस कैंप पर कहर बरपाया। अंधाधुंध फायरिंग से कंपनी की सुरक्षा में लगे जवानों के हौसले पस्त हो गए। फिर क्या था, नक्सलियों ने JCB मशीन समेत वहां खड़ी 13 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और 30 हथियार समेत हजारों कारतूस लूट ले गए। नक्सलियों से मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए और कैंप की सुरक्षा में लगे 2 निजी सुरक्षा गार्ड भी मारे गए। थाना क्षेत्र में एक नक्सल कार्रवाई की गई है, इसमें 3 सैप जवान उसमें शहीद हुए हैं और 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो कि MBL कंपनी द्वारा रखे गए थे वे भी एक्सपायर हो चुके हैं। इस बीच गया के कोच थाने में भी नक्सलियों के हमले की खबर है। अभिनेश सिंह, औरंगाबाद आज तक।